घुमा लिया आपने, आपने तो पुलिस को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी पहले ही। नहीं, वो और क्या है जो लिखाएंगे, नहीं आपने आप इन लोग पढ़े लिखे, अरे हमारे सामने तो हो रही है, 5 बजे एफआईआर क्यों कर दिया आपने? आप पुलिस होके चोरों का सा काम कर रहे हो, सही सलामत हाँ तो जब करें ना, है नोहरन सुनना, पुलिस होके चोरों का सा काम कर रहे हो, डाउट में तो आप खुद आ रहे हो, आपने तो भेड़ पकड़ ली, समझ लिए लोग, आओ और मार दो और सड़क को दफना दो। अरे वो अपना कंप्यूटर वाला, उसने ऑनलाइन एफआईआर मंगा होगा वहां से, भाई या तो दे दो हमारे मुलजिम, नहीं तो हमारे मुलजिम है डीएसपी यादराम जी, आप अगर इस टीम का ऑब्जर्वर, चलो मैं तो आपके बीच बैठा हूँ, बैठे हो तो आप हमें हमारे मुलजिम दे दो, विक्रांत और सतीश दो आदमियों पे पूरा इनका वो है, सीआईए में, सीआईए ने मारा है, सतवीर है उसमें या सतीस है जो, और एक विक्रांत है, इन्होंने गोली मारी, इन्होंने बुलवाया किसी मुखबर के हाथ, इनकी वहां की लोकेशन ये लोग बता रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ इस बात को, मेरे से मांगे कोई प्रूफ मांगे तो, मैं नहीं बताना चाहूँ किसी का नाम, मैं क्यों बताऊँ इस बात से, मटर दोनों नाम हाँ जी दो है तीन है एक है चार है वो जितने आप चाहो, आप दो के दो ध्यान लिखा दो, हाँ बिल्कुल लिखवाओ, हमें तो हमारे मुलजिम चाहिए, आपको ये लगता है उन्होंने नहीं मारा था, आप साबित कर दो, आप और भी पकड़ देते हो, आप और भी पकड़ देते हो, किसने किया है तो भुगता था, आप अगर दो आदमी कह रहे हो हमारे, कोई कोई भी सलीका नहीं है पुलिस का, मैं वो आपको तो ऐसे इन्होंने बिल्कुल लावारिस करके छोड़ दिया है, कोई थाने में जाता तो बिना गाली दिए, बिना गाली खाए नहीं आता, बड़ी मतलब इतनी बेशर्मी उठा रखी है आपकी पुलिस ने कि हम तो कहते कहते शर्म आती है लेकिन आपकी पुलिस को शर्म नहीं आती, कहीं कोई बुजुर्ग चला जाता है उसके दाढ़ी टोपी पर कमेंट्स कर देते हो, उसको थप्पड़ मार देते हो, ये हालात आपकी पुलिस के हैं, कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, इंदिरा गांधी को मारने वाले जो आदमी थे, इंदिरा गांधी से मारने वाले बड़े मुलजिम तो ये नहीं थे, महात्मा गांधी को उसने आदमी ने मारा, उससे बड़ा तो कोई आदमी नहीं आज तक दुनिया में, उसको मारने वाला आदमी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है, इंदिरा गांधी को मारने वाले उनके उग्रवादियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन किसी बच्चे के पास 4 केस झूठे हैं, 1-2 केस सच्चे भी होंगे मैं नहीं कहता, उसको सीधे ही उसकी भाषा गोली से मारनी, ये मेवात का हमारा हाल रह गया आप लोगों के, और ये एक हादसा 35 का लिस्ट तो परसों ही हमने टेली की, 35 लोग मारे गए, 35 जवान बच्चे जिनकी उम्र 18 से और 25 साल के बीच, और सबको किसी ना किसी ऐसी कहानी से जोड़, और ये ऐसे ऐसे बच्चे जिनके ऊपर एक भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं था, एक बात बताऊं मैं अजमत था मामली का, चलो आप किसी ने मार दिया, इनकाउंटर भी हो गया, क्या उसकी जनाजा उठाने का भी हक नहीं था? उसकी बीवी से परसों बात हुई, उसे 10 साल हो गए लड़ते, ठीक है 5 लाख दे दिए सरकार ने, एक भी गलत मारा गया, क्या ये तरीका है कि उसको खड्डा खोद कर दाम दिया और उसको जनाजा वापिस देने का भी हक नहीं है आदरा में? मैं उसको अंतिम संस्कार तो उसके रीति रिवाज से हो जाए, अच्छा ठीक, और धुलावट के दो आदमी करार और जाहिद, चलो ठीक है जाहिद थोड़ा बदमाश, करार के खिलाफ एक भी 84 भी कोई ये घटना नहीं थी कि उसको मतलब किसी तरह से मारा, फिर उनको मारा जाता है, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है, एक साथ वो होते हैं और उसको पेट्रोल वो छिड़क कर तेजाब छिड़क कर उसकी लाश को खत्म कर, डेड बॉडी को, डेड बॉडी को अलग पटक दिया जाता है, एक को मौके पे इनकाउंटर दिखा के, दूसरे को लावारिस दिखा के तब पेश किया जाता है, उनके माँ बाप पे क्या बीती है, उटावड़ में 4 लोग मारे गए, ठीक है हम कतई ये नहीं कह रहे कि वो बदमाशी नहीं कर, क्या ये बदमाश को बिना किसी उसके ही मारने का, चाहे आप उठा के देख लो बावला वाला देख लो, आप सूंद वाला देख लो, यहाँ अडभर में 2, हुसैनपुर में 2, पेमा खेड़ा में एक दलित का लड़का जो ईद पर ये कि कपड़े की दुकान लगाता था शेर सिंह, उसको वो चला जाता है कपड़े खरीदने के लिए, वो इत्तिफाक ठीक है, वो अब वो तो खड़ा था, वो किसी गाड़ी में बैठ गया, उसको क्या पता कि ये बदमाश की गाड़ी,
सुरेश जी क्या पता किसी को बदमाश हो, गाड़ी जो आदमी खड़ा है वो बैठ गया, अब वो तो जो बदमाश थे वो तो गाड़ियों को छोड़ के मार के उनको घूम के मार दिया। आज उसके दो बेटे उनको उनके दादा दादी कैसे पाल रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ऐसा रिवाज क्यों, इसके भी दो बेटे हैं, इसको भी दो बेटे हैं छोटे छोटे, अभी 22 साल की तो उम्र है इसकी। चलो किस हम कह रहे हैं कि पुलिस ने नहीं मारा, किसी ने मारा है ना, पुलिस